हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि यह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड चौथा पार्ट है। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन का तैयारी किसी भी स्टेट का कर रहे हो, चाहे वो TGT, PGT, KVS, NVS, CLT, राजस्थान PTI, RSSB, तो इन सभी का सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज मैं प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बना चुकी हूँ, उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। एंड डेली बेसिस पे जो मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रही हूँ उसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए जानते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान को बॉडी टाइप यानी शरीर के प्रकार के लिए अग्रणी माना जाता है। तो किस विद्वान को माना जाता है, तो इसमें क्रिस्टमर को माना जाता है। किसको माना जाता है, क्रिस्टमर को माना जाता है। जैसा कि दोस्तों, क्रिस्टमर ने मुख्य रूप से तीन बॉडी टाइप में विभाजित किया है, जैसे कि पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक। एंड एक चौथा प्रकार का भी बाद में इन्होंने बताया है, डायस्प्लास्टिक, जो उपरोक्त तीनों का मिश्रण होता है। जैसा कि दोस्तों, एथलेटिक में, पिकनिक में क्या होता है, गोल का शरीर वाले होते हैं, जैसे कि कद छोटा, चेहरा गोल, शरीर मोटा। इनकी विशेषता होती है कि ये मिलनसार होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, विनोदप्रिय होते हैं, आराम तलब होते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, एथलेटिक टाइप का मतलब कि इनकी मांसपेशी मजबूत होती है, मजबूत शरीर, बलवान और हष्टपुष्ट शरीर, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अस्थि पंजर, सशक्त सीना, चौड़ा शरीर का विकास संतुलित होता है। और ये कैसे होते हैं, चुस्त व फुर्तीले होते हैं, जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण होता है, समाज के साथ समायोजन करने में सफल रहते हैं। एंड तीसरा होता है इनका बॉडी टाइप अस्थनिक, यानी कि लंबकाय होते हैं, ये दुबले पतरे और होते हैं और हड्डियों की विशेषता ज्यादा होती है। एंड ये आत्म केंद्रित, स्वप्न दृष्टा, बुद्धिजीवी और शांत, एकांतप्रिय होते हैं। चौथा इनका बॉडी टाइप है डायस्प्लास्टिक, जिसमें उपयुक्त तीनों का यानी पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक तीनों का मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टमर के बॉडी टाइप प्रकारों को लिखिए। जैसा कि इन्होंने बताया है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक, ठीक है, उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्डन के बॉडी टाइप के प्रकार बताइए। जैसा कि दोस्तों, सेल्डन ने शरीर की आकार, ढांचा और बॉडी कंपोजिशन के आधार पर बॉडी टाइप को तीन भागों में बांटा है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों, इन्होंने जैसे कि दोस्तों सेल्डन के एंडोमोर्फिक और क्रिस्टमर के पिकनिक दोनों की विशेषता सेम है। एंड सेल्डन के मेसोमोर्फिक और क्रिस्टमर के एस्थेनिक दोनों की विशेषता सेम है। एंड सेल्डन के एक्टोमोर्फिक और क्रिस्टमर के अस्थेनिक, इन दोनों की विशेषता सेम है। आप ऐसे याद कर सकते हैं लाइन से, क्रिस्टमर के पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, सेल्डन के एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक। इस तरह से आप दोनों की विशेषता सेम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अतिरिक्त शक्ति की धारणा यानी कि थ्योरी ऑफ सरपल्स एनर्जी को और किस नाम से जाना जाता है। तो अतिरिक्त शक्ति की धारणा, थ्योरी ऑफ सरपल्स एनर्जी को सीलर स्पेंसर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ सरपल्स एनर्जी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी कि अतिरिक्त शक्ति की धारणा को किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यदर्शी धारणा यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रवर्तन है। तो इसकी एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रवर्तक है कार्ल ग्रूस, यानी भविष्यदर्शी धारणा यानी एंटीसिपेटरी की थ्योरी के प्रवर्तक है कार्ल ग्रूस। नेक्स्ट है, मनोरंजनात्मक धारणा यानी रिक्रिएशनल थ्योरी के प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक है GNW पैट्रिक एंड लॉर्ड केम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, A और C दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः अवलोकन धारणा यानी रिकैपिचुलेटरी थ्योरी के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो पुनः अवलोकन धारणा यानी रिकैपिचुलेटरी थ्योरी के प्रवर्तक कहे जाते हैं स्टैनली हॉल को।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण धारणा यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो साइको एनालिटिक थ्योरी यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण धारणा के प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरेचन धारणा यानी कैथेटिक थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो विरेचन धारणा के प्रवर्तक यानी कैथेटिक थ्योरी के प्रवर्तक है अरस्तु। दोस्तों इसके इंग्लिश वर्जन को जरूर याद में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाला न देख करके वर्ली इंग्लिश वाला देता है, जैसे कि विरेचन धारणा हो गया, तो विरेचन धारणा ना पूछ करके सीधे पूछेगा कैथेटिक थ्योरी, ठीक है। इस प्रकार उसके इंग्लिश वर्जन को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है एंड दोस्तों सामाजिक धारणा, सोशियल थ्योरी भी दिए हैं अरस्तु ने। नेक्स्ट है खेल जीवन है धारणा यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है जॉन डीवी। खेल जीवन है धारणा के प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसॉफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फिलोसॉफी ऑफ माइंड को मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नॉलेज को क्या कहा जाता है? तो थ्योरी ऑफ नॉलेज को इपिस्थीमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र बोला जाता है। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ वैल्यूज किसे कहा जाता है? तो थ्योरी ऑफ वैल्यूज कहा जाता है आपका एस्थेटिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलोसॉफी कितने प्रकार के हैं यानी फिलोसॉफी के कितने पहलू हैं? तो छह पहलू हैं, ठीक है। कितने पहलू हैं? छह पहलू हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे कि मेटाफिजिक्स अध्यात्म शास्त्र, इपिस्थीमोलॉजी ज्ञान शास्त्र, एक्जियोलॉजी शक्ति शास्त्र सुक्ति शास्त्र, एंड एथिक्स नीति शास्त्र, लॉजिक तर्कशास्त्र, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसॉफी का उदय किस देश में हुआ? जैसे कि दोस्तों फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र का उदय जो है वह ग्रीस यानी यूनान देश में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियोलॉजी में के फिलोसोफर कौन थे? ठीक है, आइडियोलॉजी यानी आदर्शवाद के दर्शन शास्त्री कौन है? तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो, आप सबको पता है एरिस्टोटल अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है। तो आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है या मानने वाले कौन है, विचारक कौन है उसमें? एरिस्टोटल और प्लेटो यानी अरस्तु और प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिलोसॉफी में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखा गया है? तो किस दर्शन शास्त्र में सत्यम शिवम सुंदरम को सबसे ऊंचे लक्ष्य पर रखा गया है? तो आदर्शवाद में, आइडियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉडी ब्यूटीफुल को सबसे ज्यादा महत्व किस दर्शन शास्त्र में दिया गया है? तो बॉडी ब्यूटीफुल को सबसे ज्यादा महत्व आइडियोलॉजी में यानी आदर्शवाद में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक ने माइंड और बॉडी को एक साथ बताया है? तो माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ बताया है अरस्तु ने। किसने बताया है? अरस्तु ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड बॉडी है जे साउंड माइंड, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इस किस दार्शनिक का विचार है? ठीक है, यह विचार है अरस्तु का, यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसका विचार है? अरस्तु का। नेक्स्ट है, नेचुरलिज्म फिलोसॉफी को कौन सी फिलोसॉफी कहा जाता है? यानी नेचुरलिज्म दर्शन शास्त्र को कौन सी फिलोसॉफी कहा जाता है? तो इसको प्रकृतिवाद बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों प्रकृतिवाद के प्रवर्तक है रूसो, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग्मेटिज्म फिलोसॉफी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? प्राग्मेटिज्म यानी प्रयोगवाद, इसके प्रवर्तक हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? एक्सपेरिमेंटिज्म तथा ड्यूइज्म, क्योंकि जॉन डीवी इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में होगा। आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आते होंगे। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।